अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि हम मिज़ान बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर या किसी भी जॉब के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो करंटली जो जॉब्स हैं उसके लिए आपने मिज़ान बैंक सर्च करना है, पहली वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है, यहाँ पे देखें कॉल सेंटर ऑफर और असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर दो जॉब्स ओपन हैं, तो हम सेकंड पे क्लिक करते हैं। इसके लिए पहले अप्लाई करते हैं, फिर दूसरे के लिए देखेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। इसके लिए आपने एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, जॉब रिस्पांसिबिलिटी और सब कुछ चेक कर लेना है, ठीक है। और लोकेलिटी भी चेक कर लेनी है, मतलब लोकेशन कहाँ की आ रही है, किधर जॉब ये करनी पड़ेगी। लास्ट डेट भी चेक कर लेनी है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लाई नाउ के बाद यहाँ पर हमारे यहाँ पे आपके पास इस तरह का फॉर्मेट आएगा। फर्स्ट नेम में आपने अपना नेम डालना है, ठीक है। मेरा नाम जो भी है आप अपनी डिटेल आपने डालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे रेफर डाल रहा हूँ। सेकंड लास्ट नेम में आपने अपना सेकंड नाम अगर है तो ठीक है वो डाल देना। ईमेल में आपने ईमेल डाल देनी है, ठीक है, जो आपकी करेक्ट ईमेल है जिस पर आपको ईमेल रिसीव हो सके, ठीक है। सिटी आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका होगा, मतलब मेरे यहाँ पे सिटी है मुल्तान, मैं मुल्तान कर लेता हूँ, या जो भी होगा आपका वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 03005765159। और यहाँ पे आ गया है CNIC का ऑप्शन, यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर पुट कर देना है 36102, ठीक है। जो भी है आपने अपनी डिटेल डालनी है, ये मैं अपनी डाल रहा हूँ, ठीक है, 13101463। उसके बाद अल्टरनेट फ़ोन नंबर मांग रहा है, आपने कोई अपना या भाई का दूसरा नंबर भी दे देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो यहाँ पर देखें हम बैक जाएँगे थोड़ा सा, क्योंकि 195 है सेकंड, ठीक है, फेब पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो 10 है, ठीक है। इस तरह आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर पूछ रहे, आपने मेल फीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेनी है, यहाँ पे CV आपने अपलोड करनी है, किस नाम से हो, ये नाम हो आपका, ID कार्ड और PDF में हो, ठीक है। अपलोड और आई एग्री पे भी क्लिक करना है, टिक पे भी क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी CV जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा लास्ट एजुकेशन। लास्ट एजुकेशन आपकी क्या है, मेरी MA उर्दू, मैं उर्दू सेलेक्ट करूँगा। लास्ट इंस्टीट्यूट मतलब किस इंस्टीट्यूट से की है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर या जो भी है आपकी, वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लास्ट एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ, मैंने भाई लास्ट कौन सा काम किया हुआ है एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। लास्ट सैलरी आपने मेंशन करनी है, कितनी आप ले रहे थे, 20,000, ठीक है। लास्ट करंट एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, आप क्या काम कर रहे थे, ठीक है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर लिख सकता हूँ, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं वो आप इधर मेंशन करेंगे। टोटल एक्सपीरियंस कितने मंथ का है आपका, यहाँ पर मैं 11 मंथ कर देता हूँ। यहाँ पे बैंकिंग में मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस 0 है ईयर में और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। उसके बाद जॉब वैकेंसीज किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो चूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, जो हमारी थी असिस्टेंट प्रोडक्ट वाली, ठीक है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ गए इंटरफेस आएगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू रिफत अब्बास, रिफत अब्बास आपका नाम है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेंड हो गया, ठीक है। और आपने और क्लिक करना है तो बैक टू कैरियर पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी आपको नीचे लिंक मिलेगा, दूसरी अप्लाई कैसे करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।